गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम क्लास फोर्थ में हिंदी सेकंड में चैप्टर वन दीपक बन जाएं की जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आपकी जो आपने मौखिक उत्तर पढ़ा था पिछले क्लास में, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर, आप ओपन करिए 11, दुखा रेखांकित का भावार्थ लिखिए। इसमें कुछ लाइंस लिखी है, उस लाइंस में कुछ जो शब्द हैं वो रेखांकित किए गए हैं, अंडरलाइन है, उसका हमें भावार्थ बताना है। यहाँ मैं आपको भावार्थ समझा रही हूँ, फिर आपको पीडीएफ में ये मिलेगा भावार्थ करने के लिए, इसको आपको बुक में करना होगा। पहला है मन का लक्ष्य नहीं थकता है। इसमें मन का लक्ष्य जो है उसको रेखांकित किया गया अंडरलाइन। इसका मतलब हो गया बच्चों, मन का उद्देश्य कभी हार नहीं मानता है। दूसरा है दूर दूर तक अलख जगाए, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हमें दीपक बनकर दूसरों को क्या करना चाहिए, दीपक बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अलख जगाने का मतलब होता है प्रेरित करना। तीसरा है आओ हम दीपक बन जाएं, तो हम सभी जानते हैं कि हम सब दीपक बनकर ही सबको क्या कर सकते हैं, सबको चारों तरफ उजाला कर सकते हैं और खुशियां दे सकते हैं। इसके बाद है घर का दीपक कहलाने से, तो हम क्या इसका मतलब अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि घर का मान ना बढ़ाएं बल्कि पूरे संसार का हम मान बढ़ाएं दीपक बनकर। इसके बाद है फिर से नई रोशनी लाएं, क्या करें, फिर से हम संसार को दीपक बनकर नए विचार दें और नए विचारों से ही उसको सुसज्जित करें। ये इसका भावार्थ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि इसमें पर्यायवाची शब्द हैं, आपके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं लिखने के लिए कहा गया है, तो इन पर्यायवाची शब्द को आप अपनी बुक में अभी लिख लीजिए, और जो रेखांकित शब्दों के अभावार्थ है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वो आप वहां से देख करके लिख लीजिएगा। अभी हाँ आपको पर्यायवाची शब्द मैं लिखवा रही हूँ, वो आप अपनी बुक में लिखिए, पेज नंबर 12 ओपन करिए। इसका पर्यायवाची है शब्द, इसमें पहला है पांव, आपको पांव से दो शब्द बनाने हैं, पांव दिया है, पांव से दो शब्द बना देंगे, पैर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पर। ये एक्सरसाइज ग है आपकी, ग दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दूसरा है राहें, तो राहें का जो पर्यायवाची हो जाएगा, पहला हो जाएगा पथ और दूसरा आप लिख लीजिए डगर, ठीक है। इसी तरह तीसरा है घर, घर का पर्यायवाची हो जाएगा गृह और दूसरा हो जाएगा सदन, यहाँ दो दो पर्यायवाची आपको लिखना है। तीसरा है सूरज, सूरज का पर्यायवाची हो जाएगा रवि और दूसरा हो जाएगा दिनकर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है, इसके बाद है संसार, तो संसार का पर्यायवाची हो जाएगा जग और इसके बाद हो जाएगा जगत, ठीक है। ये पर्यायवाची यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद घ दिया है, घ में देखिए है वाक्य प्रयोग कीजिए, यहाँ मैं आपको वाक्य प्रयोग समझा दे रही हूँ, आप इसमें वाक्य जो ये शब्द दिए हैं इनसे आपको वाक्य प्रयोग करना है, कोई भी सेंटेंस आप वाक्य बना सकते हैं। यहाँ मैं समझाने के लिए कुछ वाक्य आपको बता रही हूँ। पहला है उजाला, उजाला से मैंने यहाँ वाक्य बनाया है, दीपक से चारों तरफ उजाला हो जाता है। दूसरा है लक्ष्य, तो इससे मैंने वाक्य बनाया है हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरा है पथ, पथ से मैंने बनाया वाक्य हमें सत्य के पथ पर चलना चाहिए। इसके बाद है संसार, संसार से मैंने बनाया है वाक्य प्रयोग संसार बहुत बड़ा है। इसके बाद त्यौहार है, त्यौहार में मैंने बनाया है भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। यह आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से वाक्य प्रयोग आप अपने ओन वर्ड्स में कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर है मुहावरों के अर्थ मिलाइए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही है, आपको पर्यायवाची शब्द अपनी बुक में लिख लेना है और वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में करेंगे। मैंने आपको समझा दिया है कैसे आप वाक्य प्रयोग करेंगे, इसको आपको करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।